हैव अ नाइस डे बच्चे। टुडे वी विल स्टार्ट आर 9th क्लास पंजाबी कोर्स बुक साहित्यमाला पंजाबी कविता ते वार्तक। ओपन योर फर्स्ट पेज ऑफ द बुक। पोइम इज देयर पार्ट 1 समा। कविता है आधुनिक काव्य यानी मॉडर्न पोइट्री। क्लियर। आधुनिक कविता दे मोडी किनू कहा जाता है? भाई वीर सिंह जो कि इस कविता दे राइटर है। इस विच उन्हां दे जीवनी बारे उन्हां दे नाल जान पछाण कि उन्हां दा जन्म 5 दिसंबर नूं होया। पिता दा नाम सरदार चरण सिंह, माता सरदारनी उत्तम कौर। कित्थे होया? अमृतसर। उन्हां दे पिता जी ते उन्हां दे नाना ज्ञानी हजारा सिंह उस समय दे प्रसिद्ध विद्वान सन। मैट्रिक दी प्रीख्या पहले दर्जे च जिले विचों पहले नंबर ते आउण करके सोने दे तगमे नाल सन्मानित किया गया। उस तो बाद भाई वीर सिंह आधुनिक कविता का जन्मदाता कहा जाता है क्योंकि अज की जो मॉडर्न पोइट्री है, अज की जो आधुनिक कविता का पहले शुरुआत किन्ने की सी? भाई वीर सिंह ने। इन्हों आधुनिक कविता का मोढ़ी भी कहा जाता है। इन्हों की रचना बहुपक्षी है यानी कई पक्ष वेखन मिलते हैं। जिमें इन्होंने कविता, वार्तक, नावल, नाटक, कहानी सब कुछ यानी कई रचनावां कीतियां। इस करके आधुनिक पंजाबी साहित्य की शुरुआत की। इस तो इलावा सिख इतिहास लिखन ते संपादन करन दा काम भी किया कि उन्दी संपादना करनी उन्दी संपादन करन कारण ही उन्होंने सिख इतिहास विच भी उन्हों का नाम लिया जाता है। इन्हां दी साहित्य नूं देन गिनात्मक ते गुणात्मक दोहां ही पक्षां तों महत्वपूर्ण है। गिनात्मक यानी गिनती विच भी ते गुणात्मक यानी गुणा विच भी। क्लीयर। भाई वीर सिंह जी की कविता विचारवादी कविता है तो गुरबाणी तो प्रभावित है यानी कोई बहुत वड्डा विचार इन्हां दी कविता विच हमेशा पेश किया गया हुंदा है तो जो कि गुरबाणी तो प्रभावित हुंदी है जो भाव गुरु दे दसे रस्ते ते चलन वाले उन्हां दे शब्द हन। इन्हां दीआं समुचियां कवितावां विच मनुखी भावनावां नूं मनुखी भावना नूं दैवी भावना विच बदलन दा कारज है कि उह मनुख दी भावना नूं पर रब्बी भावना नाल दैवी भावना नाल बदलन दा वधिया कार्ज करदे हन। इन्हां दी कवितावां है जिवें वेट बच्चे, इन्हां ने राणा सूरत सिंह, लहरां दे हार, बिजलियां दे हार, मटक उलारे, मेरे साइयां जी, ये सारी उन्हां दीआं रचनावां है। प्रीत वीणा, कंत महेली या जो भी है। इस विच की साहित्य अकादमी दिल्ली वालों इन्हां दी काव्य पुस्तक मेरे साइयां जीओ जिहड़ी कि आ पुस्तक आई है उसनों साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलिया। भारत सरकार वालों इन्हों पद्म भूषण की उपाधि मिली। इस तो इलावा पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर ने भी इन्हों डी मानार्थ डिग्री नाल सन्मानित किया। डी लिट की डिग्री यानी साहित्य के खेत्र विच अगर किसी राइटर के नाम के अगर डा लग्या हुंदा है डॉक्टर, इट मीनस वह डॉक्टरेट की उपाधि है। क्लीयर। अज आप उन्हां दी कविता पढ़ांगे भाई वीर सिंह दी जो अपने सिलेबस विच है। समय बारे कि समय नूं रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्लीयर। रही वास्ते कत समय ने इक न मन्नी, फड़ फड़ रही तरीक समय खिसकाई कन्नी। इस विच कवि ने की किया है कि समय दे चलदे रहन दे सुभाव बारे दस्या है ते नाल इह भी दस्या है कि समय नूं किसे भी हालत विच रोकिया नहीं जा सकता। कवि कह रहा है कि मैं समय नूं रोकण लई उहदे अगे वास्ते पाए, कत मतलब पाए, वास्ते मतलब तरले मिनता। समय ने एक ना मन्नी कि मेरी समय ने एक गल भी नहीं मन्नी, फड़ फड़ रही तरीक समय खिसकाई कन्नी कि मैं उसनू पकड़ के खिंचन की भी कोशिश की अपने वल खिंचन की पर वो मेरे हथों पल्ला छुड़ा के निकल गया। खिसकाई कन्नी मतलब पल्ला। किवें ना सकी रोक अटक जो पाई पन्नी, मैं उनके रस्ते विच किन्निया ही रुकावटा खड़िया कीतियां पर वो मेरे तो दूर चला गया, वो मेरे रस्ते विच आईयां रुकावटां नूं भी तोड़ के चला गया। त्रिखे अपने वेग गया टप बन्ने बन्नी कि अपने तिखे वेग अपने तिखे जोर नाल वेग नाल यानी जो उन्हें चलन का जोर है उस नाल वो हद्दा बन्ने सारे टप के मेरे हथों निकल गया भाव वो किसी भी तरह नहीं रुक सकया। दूसरे पैरे विच कवि की कह रहा है कि समय नूं संभालन लई कि हो अजे संभाल इस समय नूं कर सफल उडंदा जावदा ए ठहरन जाच न जानदा लंघ गया न मुड़ के आवदा। इस विच कवि की कह रहा है मनुख नूं कि हे मनुख अजे भी तेरे कोल समा है
इस समय नू संभाल लै, अजे भी मौका है तेरे हाथ विच, क्योंकि एक जेकर तू सफल होना चाहता है कर सफल उड़ंदा जामदा, कि इसनू सफल तू हो सकता है क्योंकि जेकर तू इसनू संभाल लिया, क्योंकि यह उड़दा जा रहा है लंघदा जा रहा है, यह ठहरन जाच ना जानता, इसनू ठहरन की कोई जाच नहीं है, इसनू ठहरना नहीं आता, लंघ गया ना मुड़ के आमदा, ते जे समा एक बार लंघ जाए तो फिर उसनू प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस सारी कविता विच भाई वीर सिंह जी मनुख नू समय की अहमियत बारे दस रहे हैं कि जो समा है वह कदे भी वापस नहीं आता, तो एक बार लंघे समय में वापस लियाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बच्चे रिवाइज दिस टॉपिक्स। ओके बेटा, थैंक यू।